अस्सलाम वालेकुम, किससे हो आप लोग? ठीक हो? तो बहुत वक्त बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं चलो फुटबॉल ग्राउंड, ओके, असर का टाइम हो रहा है। वैसे मुझे दोस्तों के साथ आना था, मगर प्लान कुछ इस तरह हुआ कि कोई भी मेरे साथ नहीं हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अकेले आ रहा हूँ, ठीक है। कब्रिस्तान के अंदर से ये शॉर्ट रास्ता है हमारे ग्राउंड में जाने का। पहले तो हम कहीं और जाते थे ग्राउंड पर, अभी कहीं और जा रहे हैं। और ये कि मतलब बहुत दिनों बाद मैं फिर नज़र आ रहा हूँ ना, काफ़ी दिनों बाद। तो इंशाल्लाह अभी नमाज़ का भी टाइम होने वाला है, तकरीबन 3 मिनट रह गए हैं नमाज़ में 3 मिनट रह गए हैं, मुझे पहुँचना है मस्जिद में। और लोग पता है क्या सोचते हैं? शायद हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। वो मेरा भाई बोलता है ना, असर का नमाज अब कहाँ गए? मैंने बोला जी नहीं, नमाज़ अव्वल वक्त, ठीक है, खाना, खेल, पढ़ाई, सब कुछ बाद में। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना, नमाज़ छोड़ना एक बहुत बड़ी गुनाह है। और जो आजकल के माशरे में इसे गुनाह समझा ही नहीं जाता, ठीक है ना। शराब हराम है इसे समझते हैं, जिना हराम है इसे समझते हैं, और कुछ नहीं समझते हैं। चलो खैर, अल्लाह हिदायत दे उनको भी, हमको भी, ठीक है ना। नमाज के बाद इंशाल्लाह ग्राउंड में देखते हैं। तो मिलते हैं यहाँ, ठीक है। हमारे अली भाई की भी एंट्री हो गई। अली भाई जी, कितने दिन बाद आ रहे हो ग्राउंड में? वैसे तो हर रोज आ रहे हो रमजान के बाद से, ठीक है ना। मतलब मैच अभी तक नहीं खेला, मैच रखा हुआ है इतवार को, तो इंशाल्लाह मैच तो खैर मैं नहीं दिखाऊंगा, ओके, मगर हाँ इतवार को मैच है। और ये हमारे कैमरामैन दरअसल थोड़ा लेट है, जिस कब्रिस्तान में जिसका नाम ले रहा था ना, वो तो यही है, ठीक है ना। इतने लेट थे तो मुझे मतलब जल्दी जल्दी भागना पड़ा, आना पड़ा। क्यों पता ये क्यों लेट था? क्योंकि इसने अपना चड्डी जो उसने खोया था वो भी इतने बैग में रखा था। अब तो अभी इसको मिल गया, इतने पछता रहा, बोला मैंने भूल गया, तब मिल गया इसको, ठीक है। तो मैं अपना ग्राउंड आप लोगों को दिखा दूँ, इतना ख़ास तो नहीं है, मगर क्या करें, यहाँ हम खेलते हैं, ओके। तो हमारा यूथ भी इस वक्त आ चुके हैं, वो हो नया हमारे अली भाई, अली भाई, अली भाई, अली भाई, अली भाई, ये हमारे कीपर हैं, ठीक है ना। कौन सा कीपर आपको पसंद है इंटरनेशनल? बिजू। और आपका फेवरेट ये हमारे अब्दुल्लाद हैं, इतने लकत मारते हैं, बोलते मैं नहीं मारता हूँ, ठीक है। ओह, नाम कहीं, ये हमारे मुसैब भाई, इसका दूसरा नाम पता नहीं क्या है। आप शरीफ प्लेयर कहीं नेमार, अबे माशाल्लाह, ये खेल रहे नहीं है। और ये उस्ताद अजमत के बेटे हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह फुटबॉल खेलने आए हैं भाई। आपका फेवरेट प्लेयर? माशाल्लाह, ये अपना फेवरेट प्लेयर खुद ही है भाई। और ये हमारे एटे भाई, उजैर के उजैर खुशबू के विरासत, कंधा खुशबू है ना अंदर। और ये यसा अली हमारे स्टार आजकल के, और ये इतना चिप्स खाते हैं, इतना चिप्स कहते खाते हैं कि खेल भी नहीं सकते। देखो कितने करना है, ये था हमारे लड़के। और हमारे कमीने लड़के ज़्यादातर नहीं आए अभी तक, ठीक है ना। हाँ हाँ, यार मजा नहीं करता, इतना अच्छा मौसम है, बारिश भी हो सकता है, बारिश में पता है मजा खेलने का मजा ही अलग है। अरे संभाल मार, खुशी देखो भाई सीखने आए, ठीक है ना। अगर गलती उसकी नहीं है, नहीं अगर गलती आपकी नहीं है भी ना, फिर भी आप गलत हो, ठीक है ना। हमें कॉफ़ी के में उड़ान है, हमें तो खैर बच्चों का ना उड़े। वो बॉल मारेगा क्या? बस टॉपिक हम तो आप देख सकते हैं अली भाई के जूते। अली भाई आप ये जूते क्यों पहनते हैं यहाँ ग्राउंड पे? अच्छा, इस ग्राउंड पे जूते नहीं चलते ना, तो इनके सर स्पेशल हैं। और भाई साहब के भी आप देख सकते हो, जैसे कि पता है ये क्यों?
पता है क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड में हम 4-5 हज़ार वाले अगर पहने ना तो कोई फायदा नहीं, हमारे पैसे गए जाया। तो इसीलिए यही शूज इस ग्राउंड के लिए बेस्ट हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा वो कलाक को क्या कहते हैं, मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ यही चलते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमारा ग्राउंड ग्रास नहीं है, यहाँ मट्टी है, और ऐसा मट्टी जो भुट्टों को खराब करे। तो हम वार्म अप करते हैं अब। यार गोल हो गया, ये गोल नहीं मान रहे, पता नहीं गोल कैसे मानेंगे। गोल हुआ ना अली, बेईमान है अली। गोल अली एक नंबर का बेईमान कीपर, उस साइड का कीपर कड़ा हुआ है, ठीक है ना। अपने आपको पता नहीं क्या समझता है। हाँ वो डोनारोमा ओ रहा, पता है कड़ा हुआ है, पता नहीं क्या। अब बोल आ गया ना, अरे मेरे पास सेफ। हाँ मकाया खबर। तो अभी तक एक गोल है हमारा, गोल है ना, एक है, 1-0, ठीक है ना। मैं कीपर खेल रहा हूँ क्योंकि और कोई कीपर है नहीं, मैच भी बहुत टफ हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने सारे बच्चे लिए हैं, आओ यस। अरे हाँ ऐसे असर है मार्क, आप जाओ खेलो। सेफ चार छे प्लेयर जीता कौन? देखो भाई चार छे प्लेयर हम जीत गए, ठीक है ना। अब बहाने बंद, अली भाई मानते हो ना? मानता हूँ, मगर आपके 2 प्लेयर ज्यादा थे यार। 2 प्लेयर ज्यादा नहीं, एक था वो भी चला गया। हमने बोला दियो, उसने नहीं दिया। नहीं नहीं, तुमने बोला अरु भरू मैं जीत, अरु भरू जीत हुआ, उर्दू बात आती नहीं है। हमारा ग्राउंड का स्टार प्लेयर आपने लिया कौन? कौन सा? ये हमसा स्टार प्लेयर। हाँ वाह भाई गलत है यार। तो भाई आज रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी का मैच है रात के 12 बजे, सब देखना। ओके तो आप लोग बोलते हैं कौन जीते? मैं तो कहता हूँ मैनचेस्टर सिटी जीत जाए, ठीक है ना। रियल मैड्रिड बल्ले हार जाए, नहीं माफिया हार जाए, ठीक है ना। आप सिटी सिटी अली रियल सिटी सिटी उमेश रियल सिटी एक तो बोलो सिटी भाई आप बोलो सिटी 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 कौन रियल मैड्रिड सिटी जबरदस्त आरएस सिटी रियल मैड्रिड भाई आप लोगों ने देखा ना लेजेंड सब सिटी। ओके तो इंशाल्लाह जीतेगा सिटी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह, मिलते नहीं है होता है क्या होता है वो हमको खबर मिल जाता है कि कितने जीता, हम देखते नहीं क्योंकि रात को नींद आ जाती है ना, सिंगल लोग सो जाते हैं ना बात। तो स्पोर्ट जो है ना सबको खेलना। अरे तुम जंग नहीं करो क्या? फिर करें बात सुनो मेरी, अब क्या करेंगे? अभी हम जाएंगे नमाज पढ़ेंगे मगरब की, उसके बाद हम खाएंगे चिप्स, पत्का की चिप्स, चिप्स का भी आएंगे ना आपको वीडियो दिखाएंगे। नहीं यार इतना वो चार्ज नहीं है हमारे फोन में। ओके
तो बाय बाय अली, फॉलो सब्सक्राइब का बोलो, बोलो ना अली, सब्सक्राइब करो क्या करो सब्सक्राइब भाई, तो भाईजान कर लो ओके, तो अल्लाह हाफिज़।